हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चलो लर्न करते हैं। मैं तो दोस्तों आज मैं हिंदी का सिलेबस आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो कि यूकेजी से रिलेटेड है। तो देखिए यूकेजी में क्या पढ़ना रहता है हिंदी में, जिसमें सबसे पहले आते दो अक्षर वाले शब्द। एलकेजी में भी दो अक्षर वाले शब्द को पढ़ना रहता है, इसमें भी दो अक्षर वाले शब्द इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे बस, घर, नल, फल, हल, जल, ये सब। फिर तीन अक्षर वाले शब्द आते हैं जैसे कमल, कलश, डगर, मगर, ये तीन अक्षर वाले शब्द इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। फिर चार अक्षर वाले शब्द भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं जैसे नटखट, पनघट। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे जो शब्द एक जैसे लगते हैं उन्हें आप एक साथ बच्चों को याद करवाएं, जिससे उन्हें याद करने में आसानी हो। जैसे कि नटखट है, पनघट है, खटपट है, झटपट है, ये सब एक साथ याद करवाएं। जैसे बचपन है तो पचपन, इस तरह से बचपन, पचपन, अचकन, अचकन भी इसी में शामिल हो जाएगा। तो ये एक साथ याद कराएंगे बच्चों को। दशरथ, शरबत, कसरत, उपटन, उपटन भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा पचपन में। तो ये सब एक साथ याद कराएं जिससे कि बच्चों को याद करने में सहूलियत हो। फिर आता है बच्चों को लिखने के लिए शब्दों में लिखो, क से लेकर ज्ञ तक उन्हें याद कराना रहता है। दो दो शब्द दिए जाते हैं यूकेजी में, जैसे क से कमल है, क से कलश, ख से खटमल, ख से खत, ये देखिए ये गमला गाय। आप चाहे तो आप वीडियो को रोक करके भी थोड़ा सा पॉज करके भी देख सकते हैं। और इसी तरह आपको स्वर वर्ण में भी शब्द बनाने को मिलते हैं, जैसे अ से अनार, अजगर, आम, आग, इसी इमली, इमारत, ईख, ईट, उल्लू, उपवन, बड़ी उसे ऊन, ऊंट, ऋषि, ऋण, ऋषे, ऐसे एडी एक, ये सब मिल जाते हैं। तो ये सब आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब आता है मैचिंग यानी मिलाओ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें जैसे शब्द अक्षर दे दिए जाते हैं, जैसे क, ख, च, छ दे दिए गए अक्षर, और इधर जो है वो शब्दों को रखा जाता है। अब क से कमल है तो बच्चा क्या करेगा, इसको मैच करेगा। ख से खत है तो खत मैच होगा, इस तरह से बच्चे को मैच करना है। च से चरखा मैच हो जाएगा, इस तरह से बच्चे को मैच करते हुए जाना है, मिलाते जाना है। फिर आता है जोड़कर लिखो, जोड़कर लिखो, जैसे इसमें दो अक्षर वाले शब्दों को जोड़ना, वो तो एलकेजी में भी था, लेकिन अब यूकेजी में भी दो अक्षर वाले शब्द भी आ सकते हैं। फिर तीन अक्षर वाले शब्द जैसे म प्लस ट प्लस र मटर, क प्लस म प्लस ल कमल, जैसे ये हो जाएगा मटर, ये हो जाएगा कमल, ये जग। तो इस तरह से दिए जाते हैं। इसी तरह से चार अक्षर के शब्द भी है, ख ट माला खटबल, न प्लस ट प्लस ख प्लस ट नटखट। तो इस तरह से ख ट माला खटमल, इस तरह से दे दिए जाते हैं बच्चों को जोड़ने के लिए। अब आता है चित्रों के नाम लिखो, जैसे चित्र दे दिए जाएंगे और उनके नाम लिखना है बच्चों को। जैसे घर है तो घर हो गया, कमल है तो कमल, छाता है तो छाता, ये है कलश, कलश है तो फिर कलश हो जाएगा, फिर ये है तारा तो तारा हो जाएगा, ये है नमक, ये देखिए मैंने नमक को इस तरह से टोट टोट करके दे दिया है, तो ये हो जाएगा नमक। तो इस तरह से आप फोटो दे दें और बच्चों को सब लिखने के लिए दें। फिर आता है बच्चों को लिखने के लिए फलों के नाम, सब्जियों के नाम, पंछियों के नाम, इस तरह से भी आते हैं लिखने के लिए। जैसे फलों के नाम है तो आम, केला, सेब, अनार, लीची, पपीता, ये सब देना, ये सब सिखाना रहेगा बच्चों को। तो इस तरह से हम वर्कशीट में फलों के नाम भी लिखने के लिए दे देंगे बच्चों को। अब इसमें आता है आ की मात्रा, आ की मात्रा, जिसमें आ की मात्रा लगी हुई, जैसे आम, आग, पापा, चाचा, जैसे इसमें देखिए आ की मात्रा लगी है, चाचा, पापा, दाल, द में आ की मात्रा, दाल, दाल, बाल, ताला, माला, गाजर, इसमें भी देखिए आ की मात्रा लगी है, गाजर, सागर, चादर, ये सब हो गया आ की मात्रा, ठीक है। ये भी आते हैं बच्चों को लिखने के लिए। अब है छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा में, छोटी ई की मात्रा में जो इस तरह से रहता है, छोटी ई, दिन, पिन, देखिए इसमें भी हम बच्चों को एक जैसे जो शब्द है उन्हें याद करवाएंगे, एक जैसे शब्दों को एक साथ रख देंगे जिससे कि बच्चों को आराम से याद हो। जैसे इसमें भी देखिए आम, आग, पापा, चाचा, काका, दादा, इस तरह से भी दे सकते हैं। फिर दाल, बाल, देखिए एक जैसा मैंने रखा है, दाल, दाल, बाल, बाल, ताला, माला,
गाजर सागर चादर र र वाला जो लास्ट में आ रहा है वो एक एक साथ रखा है, बस इसलिए कि बच्चों को आराम से याद हो जाए, इसलिए ऐसे रखा है मैंने। अब तो इस तरह हमें सब रखना है, जैसे दिन पिन। अब किताब है हिसाब है, देखिए एक जैसे शब्द है किताब हिसाब। अब गिटार है सितार है सिकार है, ये भी एक जैसे शब्द है, लास्ट में र र आ रहा है। अब ये तो अलग अलग हो गए, किसान तकिया चिड़िया। तो इस तरह से हम बच्चों को याद करवाएंगे। अब है बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा में इधर से होगा बड़ी ई, तो तीर खीर हाथी मछली बकरी तितली। अब देखिए हाथी मछली बकरी तितली को मैंने एक साथ इसलिए रखा है क्योंकि हमें बोलना है कि बेटा तुम ये जो है वो जानवरों के नाम हैं, इन्हें तुम एक साथ बोल देना। बस बच्चों को याद रहेगा कि जानवरों के नाम जितने इसमें हैं जो वो हमें रखना है, जैसे हाथी मछली बकरी तितली, ये तुम्हें एक साथ लिख देना है। ना भी वो लिख पाए तो उनको याद तो आ जाएगा कि हाँ मम्मा ने कहा था जानवरों के नाम भी शामिल होगा इसमें। तो हाथी मछली बकरी तितली ये सब रख देगा बच्चा। मैंने अपने बेटे को ऐसे ही सिखाया था इसलिए वो हमेशा ऐसे ही बोल देता है, हाथी मछली बकरी तितली। फिर लकड़ी दीपक घड़ी, देखिए लकड़ी घड़ी भी मिल रहा है। अब है मिलते जुलते शब्द। तो मिलते जुलते शब्द में मैंने बताया था ना कि शब्दों को एक साथ रख देना है, जैसे तीर खीर एक जैसे शब्द हो गए, वैसे ही हमें एक साथ मिलते जुलते शब्द उसी टाइप के हो गए, जैसे बालक चालक पालक। जैसे बालक दे दिया जाएगा और हमें दो शब्द लिखने या फिर एक ही शब्द लिखने को मिलेगा, तो चालक पालक, ठीक है। उसी तरह जैसे जंगल है तो मंगल दंगल। मैंने मिलते जुलते शब्द पे भी मैंने वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आई बटन पे भी डाल दूंगी, आप अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब शब्दों को खोज कर घेरा करो। तो इसमें क्या करना है, जैसे बस दे दिया जाएगा और ये शब्द दे दिए जाएंगे, इसमें बस को ढूंढना है, बच्चा बस को ढूंढेगा और उसे इस तरह से सर्कल करेगा। मटर है तो कमल मटर, तो ये हो जाएगा, इस तरह से सर्कल करेगा, हमें इस तरह से बच्चों को देना है। इसी तरह आम है तो नाम साम आम, ये देखिए ये सब भी मिलते जुलते शब्द में ही आएंगे, नाम साम आम, ठीक है। लीची है तो लीची हो जाएगा, इस तरह से हम दे देंगे बच्चों को। अब देखिए जंगली जानवरों के नाम, जैसे शेर बाघ चीता भालू बंदर जिराफ, जंगली जानवर के नाम ये सब भी आते हैं, तो ये भी हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। ये सब में नाम लिखने के लिए ज़्यादातर पाँच ही आते हैं या कम भी आ सकते हैं, और वैसे तो स्कूल पे डिपेंड करता है कि वो कितने नाम लिखने के लिए देते हैं, पर ज़्यादातर पाँच ही आते हैं यूकेजी में लिखने के लिए अधिक से अधिक। तो हमें इस तरह से बच्चों को समझा देंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक था। अगर वैसे तो और भी है हिंदी के सिलेबस में, और भी चीज़ पढ़नी है, लेकिन मैं उसके लिए पार्ट टू वीडियो बनाऊँगी, जल्द ही बनाऊँगी, तो मैं उस पर ही आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता और बहुत बोरिंग भी हो सकता था, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो आप नेक्स्ट वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा, इसका पार्ट टू। ओके, आई होप वर्कशीट के ज़रिए बच्चे अच्छी तरह से सीखेंगे समझेंगे, और एग्ज़ाम के समय तो ऐसे वर्कशीट तैयार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है बच्चों के लिए, जिससे वो अच्छे से पढ़ पाए समझ पाए। तो वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जो कि रेड कलर में नीचे बटन है उसे आपको प्रेस करना है, फिर बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।